अगर एक फिर से सरप्राइज़ आने वाला है, वो सरप्राइज़ ये है, अभी आपको पता चल जाएगा क्या आने वाला है, फिर आप बताना कमेंट में। ये मेरा मुटका बैठा रहता है, मैं इसको सोफ़े पे बहुत सुंदर तरीके से बैठालती हूँ, और ये देखो सोफ़े के कवर तो चेंज हो ही गए, और वो आने वाला मुटके, ये मुटके की तरह मैं अभी मुटकी होती चली जा रही हूँ, क्या कर सकते, सरप्राइज़। माय चैनल रिसरूपांसुबाइस व्लॉग, कैसे हैं सब, होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और आज मैं रेडी हो गई हूँ शूट के लिए, और मैंने पहनी है फिश कट वेयर ड्रेस, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा पहना है, मतलब पहना तो बहुत कुछ है, बैकलेस पहना, ये पहना, वो पहना, तो ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। मैं आपको काश बैक कैमरे से दिखा पाती, बट कोई नहीं, आप वीडियो पे जाके चेकआउट करना, इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट करना। और मुझे इसके साथ ये वेयर करना अच्छा लगा, ये थोड़ा सा अजीब तो मुझे लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगा थोड़ा इंडो वेस्टर्न टच देगा, अगर मोटा माला होता तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता, बट कोई नहीं, अभी जो है उससे हम काम चलाएंगे और देखेंगे कैसा लुक आता है। और बस सिंपल सी घड़ी, सिंपल सा लुक, चल चलते हैं, आपको भी ले चलते सीधे लोकेशन पे। सो गाइस, सूट से वापस आने के बाद हमारे घर में चिमनी लग रही थी, हमने आपको बताया क्या, एक ही दो दिन पहले प्लान हुआ कि किचन बहुत गंदा होता है और साफ़ करने में बहुत इश्यूज़ आते हैं, मम्मी खासकर करती है ना, तो इस वजह से चिमनी लगवानी बहुत ज़रूरी थी। तो फाइनली हमारे घर चिमनी लग गई है, अब होप सो किचन गंदा नहीं होगा। और काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि सफाई होने के बाद चिमनी लगना, यानी कि घर की पूरी हालत ख़राब हो जाना, बट क्या करें, ज़रूरी बहुत था तो इसलिए लगवाना पड़ा। उसके बाद लग गई थी फाइनली चिमनी, उसके बाद मैंने 3 बजे बज गए थोड़ा बहुत खाया था, बहुत हालत ख़राब हो गई है, फ़ोन भी मेरा मर गया था, इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई। देख लो इतनी भूख लगी भी, खाना नहीं बना, तो जो कुछ रखा है वो सब खाए ले रहे हैं, क्या करें, बहुत तेज़ भूख लगी है गाइस। उसके बाद मेरा पार्सल फिर आ गया था, मैंने एसी कवर मंगवाए थे क्योंकि मम्मी बहुत टाइम से बोल रही थी कि एसी कवर मंगवा दे, इज्जत नहीं करती चीज़ों की। और यहाँ पे ये फ़ोन चला रहा था, फिर मैं दिखा रही थी किचन में, मैंने आरओ कवर भी मंगवाया था, तो आरओ अब और भी गंदा नहीं होगा। तो फाइनली दिवाली में वो सब चीज़ें आ गई जो ज़रूरी बहुत थी, बहुत टाइम से, तो मम्मी कह ही रही थी, और बाकी मम्मी और ये लोग किचन में अपना देख रहे थे सेटिंग चिमनी की, तो इन लोगों को तो अभी खिलौना टाइप का लग रहा है, बट यार ये काम के लिए होता है, जब भी खाना बनाओ तो सही रहता है। तो उसके बाद हम इधर किचन में आ गए। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, सोचने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है, मेरी माँ को पता है कितनी मेहनत से कितनी सारी चीज़ें हमारे घर आती हैं। और फाइनली मैं आगे दिखा रही थी आपको, देखिए क्या दिखा रही, मैं हो चुका इन्फेक्शन, पता नहीं क्या डाल गया था, और आँखें बहुत दिक्कत कर रही हैं, अब क्या बताए, देखो गाइस बहुत घर फैला हुआ, अभी तक समेटा नहीं है, कहाँ बताई, कम्बल अम्बल सब निकल आए हैं, अब आप लिए लैंग्वेज जो देख रहे, कहाँ बताई सब फैला हुआ, ये हम घर में थोड़ा बहुत बोलते हैं, अरे यार बहुत घर फैला हुआ, कीड़े जो है ना पेड़ वाले वो तो जा ही नहीं रहे, और यहाँ रहता बगल में चंपक, चंपक जब बोलो तो बोलते नहीं, इनकी आँख भैया तब भी ये लगी परी, क्या बताएं। मैं शूट पे गई थी, और शूट में कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आपको बताना क्या, दिखाना भी चाहती थी बट छोड़ो, मैं बताऊंगी या दिखाऊंगी तो फालतू एक नया मुद्दा मिल जाएगा, नया फालतू का बोलने का वो मिल जाएगा। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में पूछा था कि मेरे घर में टोटल स्विच कितने हैं, तो खैर किसी ने ज़्यादा कमेंट नहीं किया, क्योंकि पता नहीं लोग इस समय दिवाली की सफाई में लगता है ज़्यादा ही बिजी हैं। तो हाँ, मेरे यहाँ वो सिर्फ नीचे के फ्लोर में इतने सारे स्विच हैं, और अभी ऊपर के आपको मैंने दिखाए नहीं हैं, अगर आप ऊपर देखोगे तब तो ये कहोगे कि, अभी तो आपने बोला कि पूरे घर में करंट है, आप तो कहेंगे पूरी दुनिया ही में करंट आप फैला देंगे, इतने स्विच हैं। हाँ लाइट्स थोड़ी ज़्यादा हैं, फिर भी कभी कभी जब हम शूट वगैरह करते हैं या कभी कुछ भी होता है तो लाइट्स कम पड़ जाती हैं। हमारे पापा ना बहुत अलग टाइप के थे, उन्होंने बहुत सारी लाइटों का इंतज़ाम किया ताकि कभी भी कोई भी फंक्शन हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्रिएट हो ही जाती है लाइटिंग, एक होता हाइलोजन लाइट, एक होता नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट में उतना नहीं होता है, तो इस वजह से आपको जगह जगह पे लाइट स्विचेस हर जगह पे आपको मिलेंगे। ऊपर का तो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो तो सिर्फ नीचे का स्विच दिखाया था, और आप लोगों में से किसी ने बोला आपका घर तो बहुत बड़ा है, हाँ लंबाई में आपको बड़ा दिखेगा पर चौड़ाई में मेरा घर नहीं है,
तो कुछ भी घर में अगर करना हो तो नहीं हो पाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी अब क्या बोलूँ, घर चाहे जितना बड़ा हो, जो रहने वाला होता है उसको छोटा ही लगता है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जो किराए पे रह रहे हैं या जो एक कमरे में एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनका जब सोचती हूँ तो लगता है कि अरे कुछ नहीं, अपना भी चल ही जाएगा। बस हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो भगवान से चाहती हूँ कि जल्दी सही हो जाए। लास्ट पार्ट वेरी फनी, जो भाई के साथ मस्ती की, हमारी मस्ती चलती रहती, वो मुझे कलुआ बोलता है, मैं उसे कलुआ बोलती हूँ, तो हमारा चलता रहता है हम दोनों का। अब भाई हैं तो भाई बहन ऐसे ही हैं, तो दोनों मस्ती करते रहते हैं। भाई दूज पर वीडियो बनाओ। हाँ, भाई दूज अभी आया नहीं है, फ़िलहाल जब आएगा तो बनाएंगे। बाकी दिवाली की तैयारियाँ, दिवाली में जो भी शॉपिंग वगैरह थोड़ा बहुत हो रही है सब, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस यही कहना चाहती हूँ, मम्मी मेरी क्या करती, मम्मी मेरी केटरिंग का काम करती थी, अभी भी करती हैं, बट ये है कि अभी मम्मी परमानेंट भी खाना बनाने जाने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बना लो बना लो, तो मम्मी ये भी कर लेती है। और बाकी उनको कॉल आता है, बर्थडे हो, पार्टी हो, किटी पार्टी हो, कोई कोई सटक गया हो, उसके लिए भी खाना बनाना हो, तो सब कुछ होता है। मेरे पापा भी वही करते थे, मम्मी भी वही कर रही हैं। पापा थे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें होती थी, अभी मम्मी है तो नॉर्मल नॉर्मल होती है बस, क्योंकि हेल्पर मिलना मुश्किल है, और अगर हेल्पर मिलते भी हैं तो वो काम नहीं करवाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं यार लाइफ में, सब आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। बस इतना समझ लो कि जो जैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हम जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है बस। लेकिन अगर लोगों को ये चीज़ देख के कि ये आ रहा, बहुत पैसा है, अब मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं कि रोती हो, पैसा है, कपड़े भी खरीदती हो, इतना इतना सब कुछ है इनके पास। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, आई एम अमीर, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ बस। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, तो बस कुछ माइंड काम नहीं कर रहा है। सो गाइस, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है गाइस, कीड़े बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमारे पेड़ों को खाए जा रहे हैं, फूल नहीं निकलने दे रहे। एक ये देखो लगा पत्ती के नीचे, ये वाली पत्ती के नीचे है। हाँ, ये दे। बहुत सो गाइस, बहुत सारे मैंने कीड़े पकड़े हुए हैं, ये और पन्नी में भर के भी फेंके हैं मैंने। अरे गाइस, पेड़ लगाना आसान नहीं है। एक ये इसके नीचे बड़ा वाला भी है, गिरो गिरो नीचे, वो दे, नहीं वो गिरेगा नहीं, वो दे। तो गाइस देखो कितना तकलीफ हो रहा है मुझे, ये सब करते हुए गंदगी लग रही है। आज हमने देखा इतने सारे, बाप रे, पत्ती के। हाँ ये देखो लगा है, दिख नहीं रहा अंदर, देखो कैसे ये पत्ता खा रहा है, इसी चीज में चिपका हुआ। अरे गाइस, पेड़ पालना आसान नहीं, इसीलिए मेरी रात की रानी देखो इतने सारे फूल हैं लेकिन निकल नहीं रहे, क्योंकि ये खा गया मनहूस मारा। देखो तो देखो, गौर से देखो ये। सो गाइस, यहाँ पे एक बटरफ्लाई बैठी थी और हम लोग ऊपर गेहूँ बेल रहे थे, अचानक से हमने देखा बटरफ्लाई बटरफ्लाई, तो हम और आर्यन गाना गा रहे थे, बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग वेयर आर यू गोइंग। और ये शांति से बैठी थी, तो मैंने सोचा कहीं ये तो नहीं हो गई, लेकिन फिर ये बैठी थी, फिर थोड़ी देर बाद उड़ गई थी। तो हम और आर्यन गेहूँ बीन रहे थे, आर्यन कभी कभी मेरी हेल्प कर देता, मम्मी नहीं है तो सब काम हमें ही करने पड़ते हैं, खाना खाना है तो करना ही पड़ेगा। और गेहूँ में बहुत सारे घुन भी थे, बट हमने उसको कैसे ना कैसे करके चाल के और वैसे बीन लिया था, फाइनली हमारे गेहूँ बीन गए थे। उसके बाद बस पेड़ों में बटरफ्लाई को देखते हुए फिर शाम हो गई थी, और शाम को हमने क्या खाया था, टाइम हो गया है और हम लोग खा रहे हैं मोस्ट फेवरेट स्प्रिंग रोल विद चटनी। तो आपको खाने तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। अगर एक फिर से सरप्राइज़ आने वाला है, वो सरप्राइज़ ये है अभी आपको पता चल जाएगा क्या आने वाला है, फिर आप बताना कमेंट में। ये मेरा मुटका बैठा रहता है, मैं इसको सोफ़े पे बहुत सुंदर तरीके से बैठालती हूँ, और ये देखो सोफ़े के कवर तो चेंज हो ही गए, और वो आने वाला मुटके, ये मुटके की तरह मैं भी मुटकी होती चली जा रही हूँ, क्या कर सकते, सरप्राइज। क्या हो गया, हमको बिना सरप्राइज क्या है, सरप्राइज में अंधेरे में कुछ दिखाई ना दे रहा।
माय गॉड, तो गाइस हमारे यहाँ आया है क्या गद्दा। गाइस देखो हमारे यहाँ नए गद्दे आए, अब इस पे सोने मजा आएगा। ये लड़का तो पागल ही हो गया है बिल्कुल। ये देखो कबाड़ फैला हुआ है। ये देखो अब तुम यहाँ नहीं सोओगे ना मम्मी, ये इनका उधर गद्दा है। नहीं मम्मी नहीं सोओगे तुम, बहुत बहुत परेशान करते हो सोने में। तो गाइस दिवाली ऑफर में हमें ये चादर भी फ्री मिली है। तो हमारे यहाँ गद्दे की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी सोने में। बहुत पुराने गद्दे थे, पुराने भी थे और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते थे। तो फाइनली हमने चादर ले ली। लौकी आलू, लौकी की सब्जी और रोटी, आलू निकल रहा है। सो गाइस चलो खाना खा लेते हैं। आपको खाना तो आपका चाहिए, तो फिर मत कहना खाए भी जा चुके, फिर मत कहना कि आप मैंने पूछा नहीं। ये सब बोलते रहेंगे, मेरे का काम ही है बोलना। गाइस खाना बना आ गया और आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। और मिलते हूँ नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। अब अगले दिन हम क्या करते हैं सब ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल कमेंट वगैरह करते नहीं, पता नहीं कहाँ इस समय सो रहे हो सब लोग। चलो कोई बात नहीं, जब सो के जग जाना तो लाइक कमेंट कर देना। बाय, गुड नाइट।